Assalamualaikum everyone. Open your maths book page number 68, exercise 4.7. Today we are going to do ascending order. Ascending order means increasing order. मतलब कि छोटे नंबर से हम लोग बड़े नंबर में जाएंगे. यहाँ पे तीन नंबर दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर जो है उसको हम लोग को सबसे पहले लिखना है. जैसे कि 18 सबसे छोटा है. उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा, 26, ठीक है, वेरी गुड, 26 हम लोग लिखेंगे. और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे एंड में लिखेंगे. नेक्स्ट क्या है, वैसे यहाँ पे भी है, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर हम लोग को सबसे पहले लिखना है. इंक्रीजिंगली हम लोग को जाना है छोटे से बड़े पे. तो 27, देन 38, और सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे 49. स्टूडेंट ये दो आप लोग खुद से करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क. नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स बड़ा से हम लोग को छोटा में आना है. तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है, डिक्रीजिंगली हम लोग को जाना है. सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 89. सबसे पहले हम लोग 89 लिखेंगे. फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर क्या है, 36, एंड एंड में हम लोग सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 16. यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 16, 36, 68, कौन सा सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा नंबर हम लोग को सबसे पहले लिखना है 68, एंड देन 36, और सबसे छोटा सबसे एंड में लिखेंगे. ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर. स्टूडेंट ये दो आप लोग को अपने से करना है, दिस विल बी योर होमवर्क. अंडरस्टूड एवरीवन. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, छोटे से बड़े नंबर में जाना है. और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे नंबर में, ठीक है. पहले नंबर सबसे बड़ा रहेगा और एंड में सबसे छोटा नंबर हम लोग लिखेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.